रियलिटी रियल? ये जो रियलिटी है ये सच में रियल है क्या? तो आज इस वीडियो में मैं और आप सब लोग मिलकर इन्हों बात करते हैं, समझते हैं कि ये जो हम रियलिटी जिसको समझ रहे हैं वो रियल है या सिर्फ इमेजिनेशन है। और ये बहुत ही डीप टॉपिक है, इन्हों बहुत ही ज्यादा ऐसा टॉपिक है जिसके लिए हमें पूरी तरीके से अपने बिलीव्स को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी हम इस चीज को समझ पाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको समझना, है ना। अब हम बात करते हैं कि ये जो रियलिटी है जिसको हम रियल समझ रहे हैं वो रियल है सच में? अगर वो रियल है तो मुझे एक बात बताइए, हमने क्वांटम फिजिक्स में क्या पढ़ा था कि सब कुछ एनर्जी से मिलकर बना है। क्वांटम फिजिक्स में हमने यही पढ़ा था कि सब कुछ, ये जो पूरा संसार है, सब एनर्जी से मिलकर बना है, हमारी जिसमें हमारी बॉडी भी आ जाती है, हमारी बॉडी भी एनर्जी से मिलकर बनी है, हमारा सब कुछ माइंड भी, सब कुछ पूरा एनर्जी से मिलकर बना है ना। और हमने ये चीज देखी भी है कि जब किसी की डेथ होती है तो जो बॉडी जो मुझे दिख रही है लाइव इस टाइम, है ना, वो सब कुछ रात में बदल जाती है ना, पता ही नहीं चलता उस बॉडी का कि कहाँ चली जाती है वो। तो यानी कि समझ में आना चाहिए कि ये जिसको मैं ठोस समझ रहा हूँ, ये चीज को जो ठोस है ना, वो ठोस नहीं है, वो कुछ ना कुछ ऐसी है जो कहीं ना कहीं बदल रही है रात में, या वो एनर्जी में बदल रही है ना। तो अगर सब कुछ एनर्जी है तो मैं फिर रियलिटी किसको समझ रहा हूं? अंडरस्टूड? अगर सब कुछ एक एनर्जी है, मेरी बॉडी आफ्टर डेथ, मरने के बाद भी राख हो जा रही है, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, जल जल में, आकाश आकाश में, पृथ्वी पृथ्वी में, आपने सुना होगा अग्नि पृथ्वी जल वायु आकाश, है ना, पांचों तत्व में हमारी बॉडी, हमारा जितना भी शरीर है वो मिल जाता है। तो जब ये चीजें अलग अलग जगह पर मिल जाती हैं तो मैं फिर रियलिटी समझ किसे रहूं? मैं फिर परेशान हो क्यों रहा हूं? मैं लाइफ में इतना सीरियस क्यों हूं? मैं हर टाइम मेरे डिजायर क्यों बड़े रहते हैं? मैं हर टाइम कंपैरिजन क्यों करता हूं? मैं हर टाइम जेलिसी क्यों फील करता हूं? तो ये जब आप देख लेते हैं सबसे बड़ा लेवल, ये सबसे बड़ा लेवल मैंने आपको दिखा दिया, ये सबसे बड़ा लेवल है, अगर आप इसको समझ गए ना, तो ये जो छोटी चीजें हैं ना, कंपैरिजन, ईगो और जेलिसी, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन और अननेसेसरी थॉट्स, ये सब ये छोटी हो जाती हैं इसके सामने, सच बता रहा हूं। तो इसलिए ये स्पेशली मैं इंटेंशली ये वीडियो आप लोगों के सामने लेके आया हूं, क्योंकि अगर हम नहीं समझेंगे इस चीज को, अगर मैं इसको छुपा के रखूंगा और मैं बोलूंगा कि, और मैं सोचूं कि मैंने अगर ये वीडियो बोल दी, वीडियो लोग बना दी और लोग देखें, देखने लगे तो लोग बाबा ना हो जाए, लोग साधु महात्मा संत ना हो जाए, घर ना छोड़ के चले जाए, ये गलत है। हम जो रियलिटी है ना उससे हमें भागना नहीं है, जो ट्रुथ जो है ना, पता है दिक्कत क्या हो गई है, हम लोग जो है सच्चाई से भागना चाहते हैं, हम लोग झूठ में जी रहे हैं सब लोग, मैं लिटरली बता रहा हूँ, हम लोग झूठ में जी रहे हैं, हम लोग सच्चाई, हमें पता भी है, सच बता रहा हूँ, हमें पता भी है, लेकिन हम भागना चाहते हैं पता नहीं क्यों। और लेकिन अगर आपको कुछ कुछ अच्छा करना है ना, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, वरना आपका डर आपको डरा के रखेगा, आपके इमोशंस आपको बांध के रखेंगे, आपका कंपेरिजन आपको बढ़ने नहीं देगा, आपकी ईगो आपको बढ़ने नहीं देगी, आपके इमोशंस आपको बांधे रखेंगे, अगर आप इस सच्चाई को नहीं समझते। लेकिन अगर आप एक बार इस सच्चाई को समझ लेते हैं कि यार ये जो सब रियलिटी है ना वो सब रियल है ही नहीं, ये जो सब कुछ जो मैं देख रहा हूं ना, ये सब कुछ नहीं है, ये सब माया है एक तरीके से, जो मैं देख रहा हूं आंखों के थ्रू, जो सुन रहा हूं, जो ये सब विज्ञान है, सब माया है एक्चुअली। और इसके ऊपर कोई इतना खुलकर बोलता नहीं है जितना मैं बोल रहा हूं, और लोग डरते भी हैं इसके ऊपर बोलने से, क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि यार दूसरा बंदा जो मुझे सुन रहा है वो बहम ना हो जाए, वो बाबा साधु महात्मा ना हो जाए, वो गन्ना छोड़ के भाग जाए, जो बचपन से हमने सुना है, जो भी गलत है। आप डरते हो इसलिए आपके सामने सच्चाई पड़ी हुई है, आप उसको खोज ही नहीं रहे हो, आप सच्चाई आपको कोई दिखा रहा है, बता रहा है, आप वापस आ रहे हो उससे, आप जान ही नहीं चाह रहे हो उधर, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने उस सच्चाई को जान लिया तो मेरी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है, मेरी पूरी जिंदगी बदल सकती है अगर मैंने उस सच्चाई को समझ लिया। लेकिन आप समझ ही नहीं चाह रहे, आप माया में जीना चाह रहे हो, आपको मजा आ रहा है इसमें जीने में, और जीना पड़ेगा, पता होने के बाद भी जीना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि अगर किसी को पता चल गया एज ए एक्सपेरिमेंटल लेवल पर, एज ए प्रैक्टिकल बेसिस पर कि सब कुछ माया है, तो भी तो माया में ही जीना पड़ेगा ना, तो भी तो माया में, माया से भाग नहीं सकते, कर्म तो माया में ही करना पड़ेगा ना,
जो मैं तुम सब लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं ना, तो वो इसी माया में करना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है ना, फिर माया से आप इतना अटैच नहीं होते, आउटर चीजों से आप इतना अटैच नहीं होते, यू नो, चीजों को, जहां आपकी प्रॉब्लम्स पूरे दिन खिंचती थी, अब वो एक सेकंड में, या एक सेकंड तो नहीं मिलेंगे, बोलेंगे एक मिनट में कम हो रही है। जहां आप पूरी चीजों के लिए परेशान होते थे, अब वो एक मिनट में दूर हो रही है। जहां आपका कोई बड़ी प्रॉब्लम आती थी और आप पूरा सब कुछ छोड़ देते थे, अब वो आप एक मिनट में समझ सकते हैं। यह है रियलिटी, यह है सच्चाई की पावर, है ना। और बहुत कम लोग इसको समझ पा रहे हैं और बहुत कम लोग इसको जानना चाहते हैं, बहुत कम लोग। और लोग बता रहे हैं, लोग समझा रहे हैं, लोग नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझना चाहते हैं, मैं ये बोलूंगा, है ना। सब कुछ है हमारे सामने यार, सब कुछ खुला हुआ रखा है। आप खुद सोचो, हम लोग, मैं हर बार बोलता हूँ, उधार की जिंदगी जी रहे हैं हम लोग। आप खुद देखना अपने अंदर, एक बार आंखें बंद करके अपने आप से ये क्वेश्चन करना कि अब तक मैं जहां पे, जिस जगह हूं, ये सच में मेरी इंफॉर्मेशन है, ये मेरे एक्शन है, या मुझे किसी ने उधार में दिया है। हम उधार की जिंदगी जी रहे हैं, हम लोगों को ना उधार की चीजें पसंद आ गई है। उधार की चीजें हमें कोई रास्ता बता दे, बस उस पर चलते रहे, है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत है करना, लेकिन जो क्वेश्चन पूछना अपने आप से, ये सच में आपकी लाइफ बदल सकता है। और मैं अपने आप को इतना शाहरू फंटू नहीं समझ रहा हूँ कि मैं आपको यहाँ पर ज्ञान दे रहा हूँ और मैंने कुछ बहुत ही उखाड़ लिया। कुछ नहीं उखाड़ा मैंने भी दूसरों को फॉलो किया, उनके एनवायरमेंट को। मुझे भी पैदा होते ही किसी ने, मेरे पेरेंट्स ने या मुझे मेरे टीचर ने बताया नहीं कि बेटा ये रास्ता है, इसको फॉलो कर, है ना। ये बात है जहाँ तेरे सब क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ये बात है जहाँ तुझे सक्सेस भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, फेम भी मिलेगा, नेम भी मिलेगा, है ना। किसी ने नहीं बताया, ये अपने आप खोज आया। किताबें में पढ़ा है, कहीं सारी चीज़ों में पढ़ा है, लोगों को फॉलो किया है, समझा है, और फिर समझने के बाद उस पर एक्ट किया है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरी अब तक की जितनी भी वीडियो है ना, एक एक वीडियो को कॉपी पे लिखिए, जो भी मैंने सार है, और उस कॉपी को लिखने के बाद उसको एक्शन में बदल दीजिए ना। 5 साल बाद आप मेरी जगह हो तो मेरा नाम ऋषभ नहीं, मैं सोचता हूँ। चीजों को एक्शन में बदलने के बाद ही आप उस जगह पहुंचेंगे। सुनने से कुछ नहीं होता है, एक्शन में कन्वर्ट करने से ही चीजें होती है। जैसे जैसे मैंने इस वीडियो में बोला, जो मैंने बात करी है ना, आप उसको कॉपी पे लिखिए और एक्शन में उसको करने लगी। मैं सही बता रहा हूँ, 5 साल बाद आप इस जगह पर होंगे और इससे भी बेटर जगह पर होंगे। तो मैंने भी ये किया, मैंने जिनकी बातें सुनी, जिन बुक्स में मैंने पढ़ा, मैंने बिना सोचे अपने बिलीफ्स को ब्रेक करके, आंखें बंद करके, जैसे घोड़ा होता है ना, आंखें बंद करके उसको फॉलो करता चला गया। और जैसे जैसे मैं फॉलो करता चला गया, मुझे पैटर्न मिलने लगे, मुझे समझ में आने लगा, अच्छा ये जो बुक्स में बोल रहा है, अच्छा ये बोल रहा है, अच्छा ये सब कनेक्ट होने लगा एक दूसरे से। क्योंकि जो बोल रहा है वो झूठ नहीं बोल रहा है। अगर जो कोई कुछ बता रहा है जो हमारी इमेजिनेशन से परे है, जो कभी हमने सुना नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं सच्चाई नहीं है। सच्चाई है, बट हमारी बिलीफ हमें रोके हुए हैं उस सच्चाई को न मानने के लिए, है ना। तो अगर आप उनको फॉलो करने लगते हैं, मेरी बातों को अगर आप फॉलो करने लगेंगे या किसी की भी बातों को फॉलो करने लगेंगे ना, आप वही होंगे जहां पर आज मैं हूं और मुझसे भी ऊपर, है ना। मैंने कोई कुछ उखाड़ा नहीं है, YouTube हर कोई चैनल खड़ा कर देता है, लेकिन अपने आप को जानना ये बहुत बड़ी कला है, जो मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा बहुत समझ पा रहा हूँ, अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ, है ना। तो रियलिटी जो है वो यही है कि ये सब माया है, इसलिए इसको बातों में ना कर प्रैक्टिकली कैसे समझें। क्योंकि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ऋषभ, ये चीज़ें हमने सबके मुँह से सुनी है, बात तो हम बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन कैसे करें, प्रैक्टिकल में कैसे करें, है ना, कर नहीं पाते। वो तभी नहीं कर पाते क्योंकि आप एक्शन नहीं लेते। अगर आप एक्शन ले लेना जिस दिन, तो धीरे धीरे आपका जो पैटर्न है माइंड का, वो चेंज होने लगेगा। एक दिन में नहीं होता है माइंड का पैटर्न, एक बार करेंगे, फिर दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे जब करते रहेंगे ना, तो धीरे धीरे आपकी जो बिलीफ्स है टूटने लगेंगे, आपकी नई हैबिट्स बनने लगेंगी, आपका माइंड फिर उन्हीं चीज़ों को सर्च करेगा, उन्हीं चीज़ों को आपको फाइंड करेगा, है ना। तो जब आप ऐसे करने लगेंगे, आपको एक मोमेंट ऐसा आएगा जब आपका माइंड अननेसेसरी चीज़ों से हटकर इन्हीं चीज़ों पर काम करेगा, और यही चीज़ फिर आप फॉलो करेंगे और सुनेंगे, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि जो रियलिटी है वो रियलिटी नहीं है, और वो क्यों नहीं है मैंने बता दिया। सब कुछ एनर्जी है, एनर्जी से मिलकर बनी है सब चीज़ें, है ना। तो आपको ये खुद समझना है और प्रैक्टिकली इसको करके देखना है।
है ना, तभी आप इसमें इसको गहराई में समझ पाएंगे, हमारी तभी बॉडी हमारे माइंड के हिसाब से काम कर पाएगी। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि स्पिरिचुअलिटी क्या उखाड़ लेती है, क्या ऐसा हो जाता है इंसान को कि इंसान ही बदल जाता है। पता है क्या रीज़न है उसके पीछे? उसके पीछे रीज़न यही है कि आपकी जो इंटेलेक्ट है, आपका जो माइंड है, आपकी जो बॉडी है, वो तीनों कनेक्ट हो जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका माइंड चला रहा है आपकी बॉडी को, कहीं ना कहीं आपका इंटेलेक्ट चला रहा है आपकी बॉडी को, है ना। तो जब वो चीज़ें तीनों कनेक्ट हो जाती हैं तो मैजिक होता है, क्योंकि एक्शन तो करना ही है ना। जो मैं इंफॉर्मेशन लेके बैठा हूँ, मुझे कन्वे तो करना ही है ना, तो कौन कन्वे कर रहा है? मेरी बॉडी तो सपोर्ट करेगी ना, है ना। तो ये होता है, और कहीं ना कहीं ऊपर वाले की जो पावर है वो भी आपसे मिल जाती है, जो स्पिरिचुअल पावर है, अध्यात्मिक की जो पावर है, ये बहुत डीप है सच में, है ना। तो अगर आप एक सीखना चाहते हैं, और मैं आजकल हर कोई इसके ऊपर खुलकर बात कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर, क्योंकि अब चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग समझ पा रहे हैं। छुपा कर रख कर कोई फ़ायदा नहीं। एटलीस्ट क्या है, हम जब हज़ारों चीज़ें इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर ऐसी देख सकते हैं जो जिनका कोई मीनिंग नहीं है, अगर हम इसको देख लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? मैं किसी को गलत डायरेक्शन तो नहीं दे रहा हूँ ना, है ना, किसी को गलत डायरेक्ट तो नहीं कर रहा हूँ ना। जो मैं कर रहा हूँ, जिससे मेरी लाइफ इंप्रूव हो रही है ना, जिससे मुझे खुशी मिल रही है, मेरे काम में मैं काम को अच्छे से कर पा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी नॉलेज दूसरों तक पहुँचे, जिससे दूसरा भी अच्छे से कर पाए। तो आई डोंट थिंक सो कि मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ, है ना, और आप कुछ गलत सुन रहे हैं या वॉच कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए आपको ये समझना है कि जो रियलिटी है वो रियलिटी नहीं है, वो कुछ और है।